गुजरात के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले एमआई की टीम को एक साथ मिली तीन तीन बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आखिरकार गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से ठीक पहले मुंबई इंडियंस के खेमे के लिए आई है कौन सी तीन तीन बड़ी खुशखबरी, बताएंगे आपको उन तीनों ही बड़ी खुशखबरियों के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन आईपीएल का खिताब जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2023 के शुरुआती कुछ मुकाबले भले ही अच्छे न रहे हो, लेकिन इसके बाद टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है और टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराते हुए 8वें स्थान से सीधे लंबी छलांग लगाई और तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम को अभी भी अपने बाकी बचे 3 मुकाबले और खेलने हैं। टीम अगर तीनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज कर लेती है तो वो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम को अपना अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ खेलना है। ये मुकाबला शुक्रवार 12 मई को मुंबई के वानखेड़े में ही खेला जाएगा। लेकिन इस मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के खेमे के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां निकल कर सामने आई है। तो आइए आपको बताते हैं उन तीनों ही बड़ी खुशखबरियों के बारे में। बात करें अगर पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में तो तिलक वर्मा अब पूरी तरह से अपनी चोट से ठीक हो गए हैं और गुजरात के खिलाफ तिलक वर्मा हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि मुंबई